नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आप विधायक दिनेश मोहनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच हुई गिरफ्तारी। महिला के बाद अब बुजुर्ग से मारपीट का है आरोप। 3 धाराओं में केस दर्ज। अनंतनाग विधानसभा उपचुनाव में महबूबा मुफ्ती की जीत। 12,000 वोटों से दर्ज कराई जीत। महबूबा समेत 8 उम्मीदवारों ने आजमाई थी किस्मत। एसपी में मतभेद के बीच आज लखनऊ में होगी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक। कैबिनेट विस्तार और मुख्तार अंसारी पर फैसला संभव। स्मार्ट सिटी की सालगिरह पर प्रधानमंत्री बटन दबाकर करेंगे 20 शहरों के काम की शुरुआत। कई नए प्रोजेक्ट्स का भी होगा आगाज। एनएसजी में भारत की नो एंट्री पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, गलत रणनीति की वजह से मिली नाकामी। केजरीवाल ने भी साधा निशाना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां विवादों में घिरे आप विधायक दिनेश मोहनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और इस हंगामे के दौरान ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मोहनिया पर एक बुजुर्ग ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था, इसे लेकर वो अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस वहां पहुंची और कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मोहनिया को ले गई। गिरफ्तारी से पहले मोहनिया ने आरोप लगाया था कि पुलिस जबरदस्ती उन्हें परेशान कर रही है। मोहनिया का आरोप है कि एमएम हत्याकांड में बीजेपी सांसद पर लग रहे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल तुगलकाबाद के बुजुर्ग राकेश का आरोप है कि जब वो दिनेश मोहनिया को नहीं पहचान पाए और पानी के संकट के बारे में बात की तो आप विधायक ने उन पर थप्पड़ जड़ दिया। विधायक के समर्थकों पर बुजुर्ग का हाथ मोड़ने का भी आरोप है। 4 दिन पहले भी दिनेश मोहनिया पर संगम विहार में महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद मोहनिया के खिलाफ इन महिलाओं ने केस दर्ज कराया। अब दोनों ही मामले में मोहनिया के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन इन सबके बीच मोहनिया की इस तरह से की गई गिरफ्तारी ने एक बार फिर पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और इन चुनावों में सूबे के सीएम महबूबा मुफ्ती ने जीत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि 12,000 वोटों से महबूबा को जीत मिली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हिलाल शाह अहमद को हराया। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए महबूबा के लिए ये जीत जरूरी थी। महबूबा के अलावा 7 और उम्मीदवारों ने इस सीट के लिए चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई थी। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अनंतनाग में उपचुनाव जरूरी हो गए थे। सईद का 7 जनवरी को नई दिल्ली में बीमारी से निधन हो गया था। अगली खबर भी यूपी से, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। चुनाव के मद्देनजर आज लखनऊ में पार्टी के संसदीय बोर्ड की अहम बैठक है। बैठक में अखिलेश कैबिनेट के विस्तार पर फैसला हो सकता है। साथ ही इस बात पर भी निर्णय लिया जाएगा कि अगले चुनाव में पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव रहेंगे या नहीं, या फिर पार्टी किसी दूसरे चेहरे पर दाव लगाएगी। साथ ही इस बैठक में कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय पर भी फैसला संभव है। आपको बता दें कि पिछले दिनों विलय को लेकर समाजवादी परिवार में काफी घमासान मचा था, जिसके चलते अखिलेश और मुलायम आमने सामने आ गए थे। बढ़ते अगली खबर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी चैलेंज कंपटीशन के पहले चरण में चुने गए इन 20 शहरों में स्मार्ट सिटी योजनाओं का काम शुरू होगा। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाले इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर बाकी स्मार्ट सिटीज में लगभग 1,770 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 69 ऐसी परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। बीजेपी छोड़कर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं ने घोषणा की है कि वो स्मार्ट सिटीज मिशन परियोजना के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। और अब चलते हैं अगली खबर पर, एनएसजी में भारत को फिलहाल जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एनएसजी में भारत की नो एंट्री पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि गलत रणनीति की वजह से नाकामी मिली है। राहुल से पहले कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी की विदेश नीति पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, पीएम मोदी को इस नाकामी पर सफाई देनी चाहिए। आपको बता दें कि चीन के अड़ंगे की वजह से भारत को एनएसजी में सदस्यता नहीं मिल सकी थी। सियोल में हुई इस बैठक में चीन समेत 7 देशों ने विरोध किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।